इस बीच सूत्रों के हवाले से एक खबर है कि सुरेश अरोड़ा पंजाब के डीजीपी बने रहेंगे, लेकिन इस बीच खबर यह भी निकलकर आ रही है कि चीफ सेक्रेटरी बदले जा सकते हैं। तो बड़ी खबर आपको बता दें, हालांकि सूत्रों के हवाले से खबर है कि चीफ सेक्रेटरी को बदला जा सकता है और सुरेश अरोड़ा पंजाब के डीजीपी बने रहेंगे। और जगतार लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। जगतार, आपके सूत्र क्या कुछ बता रहे हैं, जानकारी ये मिल पा रही है कि सुरेश अरोड़ा डीजीपी बने रहेंगे? देखिए मोनिका, अगर बात करें, जब भी सरकार बदलती है तो खास करके अगर आला अधिकारियों की बात करें तो वो कह सकते हैं कि सरकार के साथ चेहरे भी बदल जाते हैं, चाहे वो डीजीपी हो, चाहे होम सेक्रेटरी हो, चाहे फिर चीफ सेक्रेटरी हो, चाहे फिर जिले के डीसी और एसएसपी हो। और अगर हम बात करें मुखिया सचिव भी, तो निश्चित तौर पर सर्वेश कौशल जी जो इस समय इस अहदे पर बैठे हैं, उनका जाना कह सकते कि निश्चित है, पक्का है। और उनकी जगह जो नाम चल रहे, वो तीन चार नाम चल रहे, जिसमें कह सकते कि सिंह सिद्धू, कर्ण अवतार सिंह और एनएस कलसी। लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह की जो सूत्र बता रहे हैं, वो हो सकता है कि केबीएस सिद्धू या कर्ण अवतार या एक हिम सिंह नाम ये चल रहा है। और अगर हम राज्य के डीजीपी की बात करें, तो जो सुरेश अरोड़ा है जो अभी इस अहदे पे काम कर रहे हैं, तो हो सकता है कि इनको इसी अहदे पे रखें कैप्टन अमरिंदर सिंह। लेकिन साथ के साथ कह सकते हैं कि कांग्रेस में ऐसी एक लॉबी भी है जो सुरेश अरोड़ा को भी चाहती है, और साथ का अगर इस पे अगर ना सहमति बनी, लेकिन फिलहाल जो सूत्र दस पे बता रहे हैं कि सुरेश अरोड़ा बने रहेंगे, लेकिन साथ के साथ ये भी बोला जा रहा है कि अगर सहमति ना बनी कांग्रेस पार्टी में, तो मोहम्मद मुस्तफ़ा को राज्य का डीजीपी लगाया जा सकता है। लेकिन फिलहाल जो कांग्रेस पार्टी के सूत्र बता रहे, वो यही नाम चल रहा है कि शायद सुरेश अरोड़ा अब इस अहदे पे बने रहे। और ये भी साथ के साथ है कि अगर सुरेश अरोड़ा डीजीपी ना रहे पंजाब के, तो उनका जो नाम है वो सीआरपीएफ के डीजी के तौर पे भी चल रहा है, तो वो अभी उनका जो कह सकते कि वहाँ भी सेंटर में नाम चल रहा है। तो ये पंजाब के बड़े जो दो अहदे हैं, जिसमें कह सकते हैं कि चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी, ये पंजाब की अभी तस्वीर है। लेकिन कह सकते हैं कि शाम तक नहीं तो फिर 16 मार्च तक ये स्थिति साफ हो जाएगी कि कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ मुखिया सचिव कौन होंगे और साथ के साथ डीजीपी कौन होंगे। और इसके साथ ये भी है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ दो और प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू सीएम, ये भी नाम चल रहे, उसमें के कैप्सना और तेजवीर का नाम चला। लेकिन फिलहाल ये कह सकते हैं कि क्यास रहेंगे और सूत्र बता रहे, लेकिन एक दो दिन में जहाँ शाम तक ये स्थिति क्लियर हो जाएगी कि आखिर कौन से ऑफिसर होंगे जो कैप्टन अमरिंदर सिंह की टीम में शामिल होंगे, चाहे उसमें मुखिया सचिव हो, चाहे फिर डीजीपी। शुक्रिया जगतार, फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए।